एक चम्मच चाट पत्ती, आधी चम्मच और छोटी इलायची। मेरी मैगी तो जम गई, सलगरा में आ गई। चाय खौल गई है, ये गई चीनी। आज जो है मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आज लाऊँ कुछ बेसन के लड्डू बना लूँ। तो ये मैं उसको मैं अभी डालडा घी, मैं देसी घी में नहीं बना रही, मैं डालडा घी में बनाऊंगी। ये 1/2 kg है और जितना बेसन होगा उतना ही घी होना चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो देख रही हूँ कैसा बनता है मेरे से, क्योंकि मैंने अभी एक बार भी कभी भी नहीं भूनना है बेसन को। कुछ ना हो वैसे, अब मैंने कल ही बेसन मंगाया है ये, और मैं इसे, ये देखिए मैंने घी डाल दी उसमें बेसन। गाइस मेरा ऐसा भून चुका है पूरा और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं जा रही हूँ गैस बने। कम से कम मैंने इसको 15-20 मिनट से ज़्यादा इसको भून लिया है। इसको ठंडा होने के थोड़ी देर रख देती हूँ और गैस को बंद कर देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें बनाऊंगी भूरा, पिसी चीनी, या आपके घर चीनी हो तो आप पीस ले सकते हैं। और ये मेरा कोई मोटा बेसन नहीं जो लड्डू वाला, मैंने नॉर्मल जो हम लोग कढ़ी वगैरह पकौड़ी बनाने के लिए लेते हैं, मैंने वही वाला बेसन इसमें लिया है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको सोच रही थी बनाने के लिए, तो मैंने सोचा अभी नॉर्मल वाले बेसन से बनाती हूँ, बाद में जब कभी अच्छा बनेगा तो मैं मोटा वाला लड्डू वाला बेसन लाऊंगी। चीनी, पिसी हुई चीनी है ये, मैंने 300 ग्राम चीनी ली हुई है, उसको ऐसे मिला लूँगी। गरम है तो सुझा उसको जरा इसको देख के करिएगा। टेस्ट कराने के लिए देखो खाके कैसा हो रहा है बताओ। क्या बात, धीरे धीरे मुंह न जल जाए, गरम बहुत है। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। मैं बनाने जा रही थी लड्डू और बन गई बर्फी। ये देखिए अब गाइस मेरा पहले फर्स्ट टाइम है, तो मैंने थोड़ा सा देसी घी लगा दिया है, ये जमा के रख लिया है। अब इसको ठंडा होने के रख दूंगी, थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखूंगी। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। टिपली, धूप तो बहुत ज़्यादा है, बट रोज के दिनों के अलावा आज भी, आज थोड़ा ठीक रिलैक्स मिल रहा है मुझे। गर्मी बहुत पड़ रही है गाइस, ये देखो मेरा जूड़ा मैंने कैसे बनाया। मैं वहाँ देख रही थी क्या देखूँ, और आज ये आज की न्यूज़ है कि शिंजो आबे जो PM थे उनको गोली मार दी गई है। यहाँ पर गर्मी का मौसम है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और सारे देखो मुंबई वगैरह में इतनी बात हो रही है क्योंकि छोले इसमें बन चुके हैं। अब जाना हूँ टुकड़े, मेरे छोले, ये है भटूरे।